के चहेते कपल करण मेहरा और निशा रावल के अलग होने की खबर से लगभग सभी शॉक्ड हो गए। दोनों ने एक ही दूसरे पर चुकाने वाले आरोप लगाए। दरअसल करण मेहरा पर उनकी पत्नी निशा रावल ने मारपीट का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद करण को पुलिस हिरासत में लिया गया। हालांकि इसके बाद करण ने पुलिस के सामने अपना पक्ष रखा और उन्हें जमानत मिल गई है। वहीं निशा रावल ने मीडिया के सामने आकर भी अपने साथ हुई दर्दनाक कहानी को बयां किया है। इसी बीच एक बार फिर करण मेहरा के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए। अब करण ने निशा के व्यवहार पर कमेंट करते हुए बताया कि उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आ गया था जब उन्हें सुसाइड का ख्याल आने लगा। वहीं करण ने निशा को बेहद आक्रामक बताया है। उन्होंने कहा है कि निशा उनके साथ मारपीट करती थी। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया कि निशा हमेशा से गुस्सेबाज रही। शुरुआत में निशा मेरे साथ मारपीट करती थी। उसको गुस्सा आता है तो वो हाथ पांव चलाती है। उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रही है। वहीं करण ने कहा, निशा गुस्से में चीजें फेंकने और तोड़ने लगती है। मैं अक्सर सोचता रहता था कि आगे चलकर ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। काफी हद तक चीजें ठीक भी हुई, लेकिन बाद में फिर से वही सब आदतें निशा में वापस आने लगी। अभिनेता ने कहा कि वो काफी समय से पत्नी निशा के बिहेवियर को बर्दाश्त कर रहे थे। इस दौरान एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्हें सुसाइड के ख्याल तक आने लगे थे। करण ने कहा, हमारे बीच चीजों को सुलझाने के लिए निशा के भाई रोहित सेठिया भी आए हुए थे। निशा और उनके भाई ने एक एल्युमिनी अमाउंट मांगा, लेकिन वो इतना ज्यादा था कि मैं उसे नहीं दे सकता। रात 10 बजे फिर हमारे बीच इसी को लेकर बात हुई, तब भी मैंने साफ कहा कि ये मैं नहीं कर सकता। उसके बाद जब मैं कमरे में गया तो निशा पीछे से आ गई। मैं माँ से बात कर रहा था और उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया और जोर जोर से चिल्लाई और मेरे ऊपर थूका। उसके बाद मैंने उन्हें कमरे से बाहर जाने को कहा तो उन्होंने गुस्से में जाकर वॉशरूम में जाकर अपना सर खुद दीवार पर मार लिया। वहीं अभी इस केस की जांच पड़ताल हो रही है, कौन सही है और कौन गलत हमें जल्द पता चलेगा। और इसी के साथ आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज की रिपोर्ट और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर। धन्यवाद।